नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 16। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब्रह्म भुवनालोकः पुनरावृत्तिनर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य, समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान होगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात देवलोक को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोक से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोक में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्तान्ते कृतात्माना प्रवसंति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्म तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य का प्रांजल तात्पर्य खत्म अंत होता है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवों के चरण में प्रार्थना करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे
ताकि मैं इस श्लोक के ऊपर अपना अनुभव व्यक्त कर सकूं अपने हृदय शुद्धिकरण के लिए। भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को कहते हैं, भगवत गीता का जो ज्ञान है ये रहस्यमय है, तो उस रहस्य को बताना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी मैं यथाजथ प्रयास करूंगा, जैसे जैसे मैंने आचार्यों से सुना हूं तो थोड़ा सा उसका प्रस्तुति करने के लिए। तो यहाँ श्लोक में बताया गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड में जो इस ब्रह्मांड के सारे लोग, उच्चतर लोक, निम्नतर लोक से लेकर उच्चतर लोक तक, ब्रह्म लोक तक, किसी भी लोक में अगर हम जाएंगे तो सारे लोग यहाँ क्या है, जन्म मृत्यु चक्कर हमको लगा रहना पड़ेगा। तो अभी जो हम जो लोक में रह रहे हैं तो उस लोक को पृथ्वी लोक कहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड जो है 14 लोक को लेकर एक ब्रह्मांड होता है। तो जैसे यहाँ परनंद है, तो हम जो अभी रह रहे हैं यह है पृथ्वी लोक, उसके नीचे है अतल, बेतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अतल में जो रहने वाले जो निवासी है ये है मैदानम का पुत्र बल, राक्षसों के लोग रहते हैं। और जो बीतल है, बीतल में रहते हैं, सॉरी ये अतल में रहते राक्षसों का लोग, और बीतल में रहते शिवजी यहाँ निवास करते हैं। और सुतल में रहते हैं बलि महाराज के लोग। और इसके बाद तलातल है, तलातल में ये मयदानव का लोक है। और जो महातल है यहाँ सर्पों का लोक है। और जो रसातल है ये देवतों का लोक है। और जो पाताल है सर्वोच्च जो नीचे है पूरा, उसमें सर्पों का लोक रहता है। फिर इसके ऊपर ये है निम्नतर लोकों का। फिर उच्चतर के लोक इस प्रकार है, पृथ्वी के ऊपर है भूवर लोक। भूवर लोक में जो निवासी है ये प्रेतात्माओं का लोक है, ये हमारे जस्ट ऊपर है, ये भूवर लोक में प्रेतात्माओं के लोक है, यहाँ प्रेतात्माएं निवास करते हैं। फिर इसका बाद है स्वर्ग, मोहरलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, इसमें देवताओं का लोक जहाँ इंद्रदेव के द्वारा शासित किया जाते हैं। फिर महरलोक भृगुमुनि और प्रजापतियों का निवास स्थान है महरलोक। तो फिर तपोलोक आता है उसके ऊपर, तपोलोक में चार कुमार का लोक है, इसमें जो कुमार जो ब्रह्मा के चार पुत्र सनत, सनत कुमार, सनंदन आदि, ये चार कुमार यहाँ निवास करते हैं। फिर सत्य इसके ऊपर आते हैं सत्य लोक, ये होता है ब्रह्मा जी का लोक। तो फिर ये हो गया 14 लोक। ये 14 लोक के ऊपर 7 आवरण होता है जो इसको लेके पूरा ब्रह्मांड कहा जाता है। पहले 14 लोक है, इसका ऊपर 7 आवरण है, इसको पूरा मिलाकर एक ब्रह्मांड कहा जाता है। तो फिर भगवान कह रहे अगर कोई भगवान, हमारा विषय वस्तु आज का है कि कैसे हम जन्म मृत्यु चक्र से पार करके भगवान को प्राप्त कर सके, ये हमारा विषय वस्तु है। तो अगर कोई भगवत धाम जाना चाहेगा तो ये 14 लोक को क्रॉस करने के बाद ऊपर के 7 लोक, फिर 7 आवरण है उसको भेदना पड़ेगा। तो आवरण में जो पहला आवरण है ब्रह्म लोक के ऊपर है, वहां भगवान बराहदेव की पूजा होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा आवरण है वहां भगवान मत्स्य देव की पूजा होता है। फिर तीसरा आवरण जो है तो इसमें अग्नि साकार रूप से सूर्य नारायण की पूजा होता है। फिर चौथा जो है वहां वायु साकार रूप में भगवान प्रद्युम्न की पूजा होता है। फिर उसके बाद जो आकाश साकार रूप से अनिरुद्ध, भगवान अनिरुद्ध की पूजा होता है। फिर उसके ऊपर भगवान शंकरषण की पूजा होता है। फिर उसका जो लास्ट जो है उसके बाद वासुदेव, भगवान वासुदेव की पूजा होता है। इस प्रकार जो ब्रह्मांड के पूरा 14 लोक और 7 आवरण को मिला के एक ब्रह्मांड होता है। तो यहाँ अब्रह्म भुवन आलोक, ये हो गया ब्रह्मांड की ये। फिर ये श्लोक में जो पुनरावृत्ति न अर्जुन, तो भगवान कह रहे कि पुनः पुनः इस संसार में आना पड़ता है। तो कैसे, तो शंकराचार्य ने अपने श्लोक में बताते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पुनः पुनः बारंबार माता के गर्भ में जन्म लेता है और फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु होता है। इस प्रकार पुनः पुनः जन्म मरण लगा रहता है। जब तक वो भगवत धाम इस ब्रह्मांड को भेद कर भगवत धाम में नहीं पहुंचता है तब तक इस जन्म मरण का चक्कर उसका लगा रहता है। और एक चीज यहाँ ध्यान देने का बात है
कि अब्रह्म भुवनालोक पुनरावृतिन अर्जुन। यहाँ भगवान ने अर्जुन शब्द का प्रयोग किया। फिर सेकेंड लाइन में भगवान बोल रहे हैं कि मामुपैत्य तू कौन तय, मामुपैत्य मुझे पाने के बाद तू कौन तय। यहाँ देखिए दो लाइन में दो शब्द प्रयोग हुआ है। यहाँ तो भगवान ने पहला लाइन में अर्जुन का शब्द प्रयोग किया, दूसरा लाइन में कौन तय, इसमें क्या रहस्य है जो भगवान फिर दूसरा लाइन में भी अर्जुन कह सकते थे, लेकिन यहाँ कौन तय कहने का पीछे भगवान के गुह्य रहस्य है। तो जैसे आप भगवत गीता में देखेंगे अलग अलग जगह में कभी कभी भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश कह के बुलाते हैं, कभी भारत कह के बुलाते हैं, कभी कभी ये मतलब बहुत कुछ ऐसे अलग अलग शब्द, भगवान अर्जुन भी भगवान को ऋषिकेश मुकुंद अलग अलग शब्द में बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इस शब्द के पीछे बहुत रहस्य है। तो भगवान यहाँ कौन्तेय शब्द का प्रयोग इसीलिए करते हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा देवी की, कृष्ण बलराम की, पतित पावन गौर निताय की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। तो भगवान ने यहाँ कौन्तेय जो शब्द कह रहे हैं, तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो इससे पहले जो प्रयोग किए हैं मुझे पाने के बाद तुम वापस ये कोई इस जगत को नहीं आता है। तो यहाँ कौन्तेय शब्द जो है भगवान अर्जुन को इंगित कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय में बोल चुके हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो जानाति वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को भली भांति जान लेता है तो इस संसार को उसको इस संसार में उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसीलिए तो भगवान ने यहाँ कौन्तेय शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि कौन जो कुंती महारानी है जो अर्जुन के माता है तो वो भगवान को तत्व में जान चुका है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को इंगित कर रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, उस कुंती के पुत्र हो जो तत्व में मुझे जान चुका है, जिसका जन्म मृत्यु होने वाला नहीं है, जिसके आगे चलकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा, इसलिए तुम उनके पुत्र हो। तो अगर तुम मुझे प्राप्त करोगे तुम्हें कभी जन्म नहीं लेना नहीं पड़ेगा। तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते। तो फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताते हैं कि समस्त योगियों को चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान होगी या हठ होगी, अंतत में भक्ति योग का अनुशीलन करना पड़ता है। तो सभी योगियों को आखिरी में भक्ति योग का अनुशीलन करना पड़ता है। तो प्रभुपाद इस श्लोक का जो प्रभुपाद ने इसका विस्तार श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में के प्रथम स्कंद के ए अध्याय दो के श्लोक 28 और 29 नंबर श्लोक में इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म यज्ञिक अनुष्ठान पर टिके हैं, यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होती है। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। तो यही बात योग सिद्धि पद्धति पर भी लागू होता है। तो प्रभुपाद ने यहाँ जो बताया ना कि कर्मयोगी या ज्ञानयोगी या हठयोगी हो, सभी योगियों को आखिर में भक्ति योग का अनुशीलन करना पड़ता है। तो यहाँ प्रभुपाद ने विस्तार में बताते हैं कि योग पद्धति पर भी लागू होता है। योग का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपना संपर्क, जो संपर्क को जोड़ना, इसको योग पद्धति कहा जाता है, ये है योग शब्द का अर्थ। तो किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसे शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त है। तो ये जो ध्यान के विधि है ये भी आखिरी में जो भगवान की जो परमात्मा रूप है, तो ये परमात्मा के रूप में ध्यान केंद्रित करना। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान के जो परमात्मा साक्षात्कार है ये भगवान का आंशिक दर्शन है, ये आंशिक रूप का दर्शन, ये पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, आंशिक साक्षात्कार है। तो फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार ये योगी वो भगवान की भक्ति का आखिरी में भक्ति का अनुसरण करता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि तो किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विफल हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब योगी कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो शारीरिक योग पद्धति को अनुशीलन करने के बाद जब कोई सिद्धि मिल जाता है, वो सिद्धि को वो क्या है, दुरुपयोग करता है।
तो दुरुपयोग करने के कारण तो उसका क्या है, विनाश हो जाता है। फिर क्या होता है, ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों का अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मण या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है। तो अगले जीवन में जब इस जीवन में वो असफल होते हैं तो अगला जीवन उनका भगवान ने फिर उनको एक संपन्न ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं ताकि वो भक्ति अच्छा से कर सके। और प्रभुपाद ने यहाँ लिखते हैं संपन्न वैश्य एक धनी व्यक्ति के परिवार में ताकि उसको भक्ति के लिए अनुकूल हो, मतलब कोई उसको रुकावट ना हो। तो लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ बताते हैं कि लेकिन इस कलयुग में व्यक्ति क्या है, तो धन के अगर वो भक्ति किया तो ठीक है, नहीं तो अगर वो इस जो ये दोनों के परिवार में जन्म लेने के बाद अगर भक्ति नहीं करता है तो फिर उसका विनाश होता है, फिर वो नहीं कर पाते। अगर भक्ति किया तो ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में फिर भगवान को प्राप्त करता है, अगर भक्ति नहीं करता है तो फिर उसका विनाश होता है। फिर प्रभुपाद ने यहाँ पे ज्ञान की भी बात लिखते हैं कि ज्ञान के ऊपर भी यही बात लागू होता है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18वें बात है, ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। मतलब ज्ञान के अनुशीलन करने पर प्रभुपाद ने बताते इतना सब उसको साक्षात्कार हो जाता है, फिर भी जरा व्याधि से संपन्न हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतः वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। लेकिन देखा जाए लगभग बहुत मतलब ज्ञान के अनुशीलन के बाद कभी कभी साकार भगवान को साकार रूप को स्वीकार ना करे, निराकार रूप को स्वीकार करते हैं। तो उसमें अगर भगवान की साक्षात्कार हुआ तो वो ज्ञान सही ज्ञान माना जाएगा, लेकिन वो ज्ञान अगर भगवान की साकार रूप का साक्षात ना करके अगर निराकार के रूप में पीछे गया तो फिर वो ज्ञान सही ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो फिर इस बारे में फिर भगवद गीता में भगवान ठीक है, तो इस प्रकार जो आज के जो विषय वस्तु है जो भगवान को प्राप्त करने की विधि, तो ऐसे शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों में बहुत अलग अलग विधियां दिया गया है भगवान को प्राप्ति निमित्त। तो इसमें जैसे वेदों में वर्णन किया गया है कर्म योग, भक्ति योग, ना कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो ये तो वर्णन हुआ। तो ऐसे वैदिक शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए चार युगों में चार प्रकार के अलग अलग विधियां दिया गया है, तो वो इस प्रकार है। तो ये वर्णन है कि कृते यध्यायते विष्णु त्रितया यजतो मुखे द्वापरे परिचर्जयाम कलोतत हरि कीर्तनम। तो सत्ययुग जो है, तो सत्ययुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान का, भगवान विष्णु की ध्यान करना पड़ता था, तो ध्यान के माध्यम से भगवान के विष्णु को प्राप्त होते थे। फिर त्रितयाम यजतो मुखे, तो त्रितया युग में फिर इस भगवान को प्राप्त करने के लिए विधि क्या था, पर यज्ञ, यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते थे। और फिर द्वापरे परिचर्जयाम, तो द्वापर युग में भगवान को प्राप्त निमित्त परिचर्जयाम, तो जो भगवान को पूजा अर्चना करके भगवान को प्राप्त करते थे। तो कलोतत हरि कीर्तनम, तो कलयुग में, कलयुग में भगवान को प्राप्त निमित्त हरि कीर्तनम। भगवान का एक नाम है हरि, हरि मतलब जो समस्त दुखों को हर सकते हैं, तो उनको इसलिए भगवान को हरि कहा जाता है। तो हरि का कीर्तनात, तो भगवान के जो हरि है, हरि जो भगवान, जो हरि, हरि जो भगवान है, उनके नाम का कीर्तन करना, तो इसका और भी प्रमाण है श्रीमद भागवतम में। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, कलो दोसो निधि राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तन आदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम जय। तो कलयुग जो है दोसों से भरा है, तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बताते हैं कि हे महाराज, ये जो कलयुग है ये दोसों से भरा है, लेकिन ये दोष से भरा होने का बाद भी अस्ति एक महान गुणान, एक महान गुण है इसमें कलयुग में, क्या है, कीर्तन आदेव कृष्णस्य, अगर भगवान कृष्ण के नाम कोई करता है मुक्त संग परम प्रजे, तो वो मुक्त, मुक्ति पद पर मतलब ये पहुंच जाता है अगर भगवान की कृष्ण का नाम लेता है। तो कलयुग जो है, कलयुग में भगवान के नाम, जो पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ही
जो भगवान के प्राप्ति निमित्त ये जो है सही दिशा है भगवान के नाम माध्यम से, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हरि नाम के जप के द्वारा। तो प्रश्न आ सकता है ऐसा प्रमाण कहाँ है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है तो ये सही है, तो इसका तो प्रमाण तो एक है भागवतम में ये बताया गया कि कृष्ण नाम जो है कृष्ण नाम जो है सही है, और एक है यहाँ बताया गया है कली संकरण उपनिषद में यह भी बताया गया है इति षोडश नामना कली कल्मसनासनम, जो 16 शब्द विशिष्ट जो हरे कृष्ण महामंत्र है यही कलियुग का जो कलियुग में जो कलो दिस दोष ये कली कलमस जो कलियुग में जो पाप के जो नाश करने वाला यही हरे कृष्ण महामंत्र ही कलियुग में हमारा पाप को नाश कर सकता है। सेकंड प्रमाण है ये पंचरात्र पुराण में भी यह वर्णन है हरेर नाम ही केवलम कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते व गतिर अन्यथा, कि इस कलियुग में हरि नाम के सिवा हम कुछ भी करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हरि नाम ही हमको सभी पापों से मुक्त करके भगवान को प्राप्त करा सकता है। तो ये भागवतम में भी एक श्लोक आता है ये हरि नाम के इतना प्रभाव है, तो यहाँ तो हरिनाम के जो कैसे ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसे कोई प्रमाण है शास्त्रों से कि हरिनाम लेकर कोई भगवान को प्राप्त किया है, तो सभी लोग को पता सभी भक्तों को पता है कि जो अजामिल है भागवतम में वर्णन है अजामिल के बारे में, जो जीवन भर बुरे कर्म में लगा हुआ था ऐसे कोई कार्य नहीं था जो नहीं किया था, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी वो एक वेश्या के साथ संग करने के कारण अपना जो स्थिति है खो बैठा था, और ऐसा बुरे कर्म में लगा हुआ था कि 80 साल की उम्र में वो उसका एक छोटा बेटा जन्म हुआ था जिसके नाम नारायण वो रखा था, तो वो जब जीवन के अंत में जब उसको मृत्यु आया है जो यमदूत जब लेने आए हैं तो वो उसके जो छोटा वाला पुत्र है जिसका नाम नारायण था तो उसके प्रति जो आसक्ति है बहुत था, तो जब यमदूत जब उसको लेने आए हैं तो वो डर के मारे बहुत भय से तो अपने पुत्र नारायण तो उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे ये जो भयानक जो यमदूत दोनों लेने आए हैं मेरी को तो मेरा बच्चा इनको इन लोग को देखे डर क्यों ना डर ना जाए, तो इसलिए वो डर के मारे वो नारायण को बुला रहा था उनका उसका बेटा को कि नारायण नारायण ऐसे बुला रहा था, तब तक यमदूत उसको पकड़ के खींच रहे थे, जब खींच रहे थे तब उसके मुख से नारायण उच्चारण हो रहा था, तो नारायण तो उसी समय जब यमदूत के इनको नारायण को अजामिल को खींच रहे थे उसी समय दोनों विष्णुदूत वहां पहुंच गए तो यमदूतों से अजामिल को छुड़ाने लगे, तो वहां पे जो यमदूत है वो भगवान के पार्षदों को पूछ रहे हैं तो वो तो आप क्यों उसको छुड़ा रहे हैं वो ये व्यक्ति बहुत पापी है तो इसको क्यों छुड़ा रहे हैं, तो फिर उस समय जो विष्णुदूत है भगवान विष्णु के जो दो पार्षद आए थे वो वहां पे बता रहे हैं कि इन्होंने भगवान नारायण का नाम लिया जो परम पुरुष परम भगवान है, अगर कोई अंत समय में भगवान के नाम लेता है तो भगवत धाम प्राप्त करता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बताया है अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जो प्रायति समद्भावम जाति नास्त्यत्र संशय, अंत समय में जो मेरा नाम का उच्चारण करता है वो मेरे धाम को ही प्राप्त करता है। तो यहाँ जब यहाँ विष्णुदूत ने बोलने लगे यमदूत को तो यमदूत बताने लगे ये तो उसके पुत्र का नाम लिया वो तो अपने भगवान का तो नाम नहीं लिया, तो यहाँ यमदूत भगवान के दूत बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को नाम नारायण रखने से तो वो अगर किसी का नाम नारायण होने से वो नारायण नहीं बनेगा, नारायण शब्द जो है भगवान के नाम जो है वो तो भगवान से अभिन्न है, भगवान के साथ भगवान के नाम भगवान के नाम जो है भगवान से अभिन्न है, भगवान के पास जितने प्रभाव रहता है भगवान का नाम ले भगवान की उपस्थिति आपके पास जो ये कर सकता है भगवान के नाम भी उतना ही आपको ये कर सुरक्षा दे सकता है, भगवान के नाम में इतने शक्ति है। इसका और एक भी प्रमाण है जब चैतन्य महाप्रभु के समय जब चैतन्य महाप्रभु आए थे बंगाल में उसी समय जब जगाई माधाई नाम के दो बड़े डाकू है जो पिछले जीवन में रावण कुंभकर्ण थे और उसके पूर्व हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष थे, फिर वो कलियुग में जगाई माधाई के रूप में आए थे और वो इतने पापी थे कि उनके डर से कोई भी घर से नहीं निकल पा रहे थे, इतना मतलब इतने उत्पात मचा के रखे थे, लेकिन वो हरिनाम लेने पर उनको नित्यानंद प्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने उनको उद्धार किया। तो हरिनाम जो है
हरिनाम व्यक्ति का सभी पापों से मुक्त कर सकता है। हरिनाम जो है इस कलयुग में हरिनाम के अलावा अगर हम कोई भी विधि का अनुसरण करेंगे, ये सिर्फ श्रम एवं ही, भागवत में एक शब्द आता है श्रम एवं ही केवलम, सिर्फ हमारा परिश्रम ही मात्र है। तो और एक भी श्लोक आता है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पात समाज उत्पाता एवं कल्पते। अगर हम शास्त्रीय विधि विधान को छोड़ के, जो कलयुग में हमारा भगवान को प्राप्ति निमित्त जो विधि दिया गया है, अगर उस विधि को छोड़ के हम अलग से कुछ करेंगे, वो सिर्फ समाज में उत्पात मचाएगा। उससे अलावा तो ये इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, कितने साधु लोग, कितने महात्मा लोग कुछ कितने बुरे कर्म में, एक जो साधु जो है वो बुरे कर्म नहीं करते हैं, जो भंड है जो ये है वो बुरे कर्म करते हैं। तो असली साधु जो है वो कभी भी भगवान के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। तो इसलिए जो शास्त्र में दिया गया है वही साधु लोग बताते हैं। अगर कोई भी साधु शास्त्र से छोड़कर अलग से कुछ बता रहा है वो साधु नहीं है। इसलिए साधु वही है जो शास्त्र को जानता है, और जो शास्त्र को है उसको वो शास्त्रों को वही साधु ही बोलता है। शास्त्र जो है वो भगवान के वचन है। तो इसलिए तो जो शास्त्र कह रहा है कि भगवान को प्राप्त करने में चार युग में अलग अलग विधियां दिया गया है, तो उसी हिसाब से हमें प्रयास करना हमारे लिए सफल रहेगा। अगर हम भगवान के नाम हरिनाम को छोड़कर कुछ अलग विधि का अनुसरण करेंगे तो भगवान को प्राप्ति हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताते हैं इसके, जो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 8 में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। फिर प्रभुपाद ने तात्पर्य बताते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है, भगवान के शब्द उच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीभ तथा मन स्वतः रहते हैं, शुद्ध व्यस्त रहते हैं। इसी ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलता है। तो भगवत गीता में जब भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे तो अर्जुन को बोल रहे थे कि अपना जो मन है, व्यक्ति का मन जो है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मुख्य, व्यक्ति का जो मन है, मन व्यक्ति का मुख्य का कारण बन सकता है और मन व्यक्ति का बंधन का भी कारण बन सकता है। अगर मन भगवान के चरण में लगेगा तो वही मन ये व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग बन सकता, मुक्ति के लिए सहायक बन सकता है। अगर वही मन अगर भगवान के चरण में नहीं लगेगा तो उसके लिए बंधन का कारण भी हो सकता है। तो जब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा दे रहे थे तो उस समय अर्जुन ने बताया कि जो मन है, तो मन जो है, भगवान अर्जुन ने बताया कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को दमन करना मेरे लिए संभव नहीं लग रहा है। तो मन जो है बलव दृढ़म, तो वो एक तो वो बहुत शक्तिशाली है, मन को दमन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अर्जुन भगवान ने उसके आगे बताते हैं, हे अर्जुन अगर तुम अभ्यास करते रहोगे तो इस मन को अगर मेरे भक्ति के द्वारा अभ्यास करते रहोगे, मेरे चिंतन के द्वारा तुम आखिरी में मेरे मन अपने मन को मेरे चिंतन में लगा सकते हो अगर अभ्यास करोगे। इसी प्रकार अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र रोज अगर एक माला हो, शुरुआत से एक माला कर सकते हैं, तो एक माला से फिर धीरे 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 क्रमशः धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो अभ्यास करने से क्या है, कोई भी चीज हमारे संभव हो जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, स्कूल में देखेंगे कुछ बच्चों का पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, अगर घर पे माता पिता उनको अभ्यास कराते हैं, धीरे धीरे थोड़ा देखते हैं, तो जरूर उनका पढ़ाई में फिर सक्सेस होते हैं। उसी प्रकार अगर हम साधुओं के पास जाकर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, करते रहेंगे, जरूर हमारे अंत समय में स्मरण जरूर भगवान के स्मरण होगा। कोई लोग बहुत लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हम जीवन भर हमारे अपने कार्य में लगे रहेंगे, नशे खाते रहेंगे, बुरे कर्म में लगे रहेंगे, अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान बोल रहे हैं, ऐसे भगवान ने बताया कि अंत समय में स्मरण करो मेरे पास आ जाओगे, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता है। जीवन भर अगर कोई नशा खाया है तो वो कैसे भगवान की स्मरण कर सकता है, कभी भी भगवान को जीवन काल में कभी भी भगवान को स्मरण नहीं किया तो अंत में भी स्मरण नहीं कर सकता। जो अभ्यास किया है वही व्यक्ति स्मरण कर सकता है,
जो उसका अभ्यास में है वही व्यक्ति, क्योंकि मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है, उतना कष्ट में भगवान का स्मरण करना अत्यंत मतलब ये है कष्टदायक है। अगर कोई अभ्यास करेगा तो जरूर वो भगवान का स्मरण कर सकेगा। अगर मान लो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, अगर कोई इस पथ में, अगर भगवान भी भगवत गीता में बताया, अगर इस पथ में कोई फेल भी हो जाता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर भक्ति पथ में कोई सफल नहीं हो पा रहा इसी जीवन में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर अगले जीवन में वो भक्ति शुरू करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे दो व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास, दोनों व्यक्तियों के पास एक लाख रुपया है, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक लाख रुपया में एक मकान बनाया, दोनों का प्लान हुआ कि दोनों दो मकान बनाएंगे, तो एक व्यक्ति ने मकान बनाया, तो बनाते बनाते बस पिलर बन गया, तो घर का दीवार भी कुछ उठा दिया, पैसा खत्म हो गया, बस वहां रुक गया। दूसरा व्यक्ति ने उस एक लाख रुपया को लेकर खर्चा कर दिया, कुछ किया नहीं, तो फिर इसमें देखिए दोनों व्यक्ति, तो जो व्यक्ति बना रहा था तो आगे क्या करेगा, जब उसके पास पैसा आएगा तो वो फिर वहां से शुरू कर लेगा, उसको पहले से फिर शुरू करना नहीं पड़ेगा, जहां से उसका एंड हुआ है वहीं से फिर शुरू करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक लाख रुपया का खर्च कर दिया, तो वो कहां से शुरू करेगा, जब पैसा आएगा फिर शुरू से, उसको फिर ये नहीं। तो भक्ति इस प्रकार के, इस जीवन में आपका जहां से खत्म हुआ है अगला जीवन आपका वहीं से शुरू होगा। भक्ति पथ में आंख बंद करके दौड़ सकते हैं, तो भक्ति जो है कभी भी अंत नहीं होता है, जैसे ही आपका जहां से आपका एंड हुआ है दूसरा जीवन में वहीं से भक्ति शुरू होगा। तो भक्ति इस प्रकार के, भक्ति जीवन में किसी कभी भी ये नहीं होता है, अगर हम इस जीवन में ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो कभी ना कभी हम भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी जीवन में नहीं हुआ तो अगले जीवन में प्राप्त करेंगे, अगले जीवन में नहीं हुआ तो दूसरा जीवन में जरूर हम भगवान को प्राप्ति करेंगे। लेकिन जो भक्ति नहीं करता है, जो शास्त्रीय विधि विधान के पालन नहीं करता है, उनके लिए भगवान ने बताते हैं 16 अध्याय के 26 नंबर श्लोक में भगवद गीता में कि हे अर्जुन, यह शास्त्र विधि मसृज्य वर्तन्ते कामकारता न सम सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गति। हे अर्जुन, जो भगवद गीता, जो शास्त्रीय विधि विधान को नहीं मानता है, ना सुखम, ना उसको इस जीवन में कुछ सुख मिलता है, ना शांति मिलता है, ना उसको परम गति, इस जीवन के बाद कोई परम गति मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी उसको उसके जीवन में नहीं मिलने आए, तो भगवान ने फिर भी भगवद गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे भक्ति करता है, श्लोक मेरा याद नहीं है, जो मेरा भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, अगर मान लो वो दो बार मेरा चिंतन कर रहा है तो मैं उसका तीन बार चिंतन करता हूँ, वो जितना मेरे बारे में सोच रहा है मैं उससे ज्यादा उसके बारे में सोच रहा हूँ, और उसके पास जो नहीं है उसको भी मैं उस पूरा करता हूँ। तो भगवत गीता में भगवान बहुत सारे जगह में बताया, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के तात्पर्य ऐसे प्रस्तुत किया है, हर पेज में, हर पन्ने पे आप देखोगे भगवान को प्राप्ति निमित्त तो कुछ ना कुछ है। श्रील प्रभुपाद ने इतने सुंदर रूप में अपने जो शास्त्र में तात्पर्य में लिखे हैं, हर तात्पर्य में आपको भगवान के प्राप्ति निमित्त कोई ना कोई संदेश मिलेगा। आज का विषय वस्तु है भगवान को कैसे प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अगर कोई पढ़ेगा, ये भगवद गीता के हर मतलब पन्ने में लिखा हुआ है भगवान को कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसीलिए कि भक्ति के अनुसरण करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति के शुरुआत इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही शुरू होता है, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए सुगम पंथा का ये लाभ उठाइए। तो यहाँ पर मेरे ये को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ, हो सकता है बहुत गलती हुआ होगा, तो अगर कोई गलती हुआ होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की।